વલસાડ તાલુકાની જોડવા જુઆડી સીમા આવેલ ધર્મનંદન કોમ્પ્લેક્સમાં શુભલક્ષ્મી મોબાઈલ નામની દુકાન ચલાવનાર દુકાનદાર પર બિલ્ડિંગના મેન્ટેનન્સ બાબતે થયેલા ઝઘડામાં ચાકુના ગાજીકી ઈજા પહોંચાડી હોવાની ફરિયાદ પલસાણા પોલીસ મથકે નોંધાવા પામી છે. પલસાણા તાલુકાના જોડવા ગામના ધર્મનંદન કોમ્પ્લેક્સમાં શુભલક્ષ્મી મોબાઈલ નામની દુકાન ધરાવતા અનિકેત વિશ્વનાથ શર્મા દુકાનમાં હતા. તે વખતે પપ્પુ ગુપ્તા અને તેની પત્ની સુનિતા દેવીએ મેન્ટેનન્સ કેમ આપતા નથી તેમ કહી તેમને પાણીનો પાઇપ તોડીને અનિકેત સાથે ઝઘડો કર્યો હતો. જોકે આ વખતે ગુપ્તા પરિવારના અન્ય સભ્યોએ પણ આવીને અનિકેતના ચહેરા પર ચાકુથી હુમલો કરી ઈજા પહોંચાડી હતી. બનાવ અંગે પલસાણા પોલીસે ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. मेरा नाम अनिकेत कुमार है. मैं जुलवा में रहता हूँ. जुलवा में मेरा शुभ लक्ष्मी मोबाइल शॉप है. मैं दुकान में ही रहता हूँ. 4 तारीख को रात में खटखट का आवाज़ आ रहा था तो मैं पीछे देखने के लिए गया तो देखा कि पप्पू गुप्ता बैजू साहब वो पीछे दवाल तोड़ रहे थे. तो मैं बोला कि क्यों तोड़ रहे हो. तो फिर उसके बाद सेठ से फ़ोन करा के बात करवाया. फ़ोन कराने के बाद भी बात नहीं हुई. बात नहीं किया, मोबाइल छीन के फेंक दिया. उसके बाद फिर फ़ोन उठा के मैं बात करवाया, फिर भी बात नहीं किया. उसके बाद मुझे गाली दिया और मारने लगा. मारने के बाद उन लोगों ने मुझे दुकान में घुस के मुझे मारा. नाक मेरा तोड़ दिया. नाक से पूरी ब्लड आ गई थी और ये लोग पूरे ग्रुप में थे ये लोग. और सेठ से मैं बात करवाया तो बात तो किए नहीं. और ये लोग माँ बेटा बाप सब मिल के मुझे दुकान में घुस कर मारे हैं. और एक बार पहले भी हो चुका था तो उसमें भी पुलिस लोग ने 2-3 बार में गंगाधर पुलिस स्टेशन में भी गया तो वहाँ पे कोई एक्शन. और अभी भी मैं फ़ोन पे फ़ोन किया हूँ और कोई कार्रवाई नहीं है. और हर वक्त आके धमकी दे के जा रहा है कि ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा. तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँगा. मेरे जान को खतरा है मुझे. हाँ प्रिंट तो एप्लीकेशन अर्जी लिख के दिया हूँ लेकिन अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है अभी तक.